हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ फैशन योर चेतना और आप देख रहे हैं शादी सीरीज़, जिसके अंदर मैंने क्रिएट किया है आज साउथ इंडियन ब्राइडल मेकअप लुक। तो यहाँ पर मैंने सिंपल ज्वेलरी वियर करी है और सिल्क साड़ी वियर करी है, और हेयर स्टाइल के लिए लॉन्ग चोटी बनाकर उस पर फ्लावर्स लगाए हैं। आप चाहें तो ज्वेलरी भी वेयर कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक पसंद आएगा, और पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है। इसके लिए सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ बायोटिक फेस सीरम, और उसके बाद अप्लाई करूँगी प्लम नाइट जेल अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का न्यूट पैलेट, जिसमें से मैं एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से, ब्लैक आई शेडो की हेल्प से अपने आईब्रो की एक्स्ट्रा हेयर कैप को फिल कर लूँगी। और आप जब भी ब्राइडल मेकअप लुक क्रिएट करें तो अपनी आईब्रो को मेक श्योर शार्प और बोल्ड बनाएं, इससे आपका फेस का लुक थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने आईब्रो अच्छे से फिल कर लिया, आप चाहे तो आईब्रो पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन एज रिवाइंडर कंसीलर, जिसको अपनी आईज़ पर, अंडर आई एरिया पर और आईब्रो के ऊपर अप्लाई कर लूँगी, ताकि मेरा आई शेडो और आईब्रो का लुक जो है बहुत ही क्लियर और शार्प दिखे। उसके बाद मैं वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इन्हें जो मैंने कंसीलर अप्लाई किया है उसे अच्छे से सेट कर लूँगी, और उसी के ऊपर मैं अप्लाई करूँगी लॉरियल मैट मैजिक कॉम्पैक्ट, और उसकी हेल्प से अपने कंसीलर को अच्छे से सेट कर लूँगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रिवेलेशन का पैलेट, उसमें से मैंने लाइट ब्राउन कलर पिक किया और एक फ्लफी ब्रश पिक किया है, जिसे मैं अपने आउटर वी एरिया पर, आई के आउटर वी एरिया पर और क्रीज लाइन पर अप्लाई कर लूँगी एज ए ट्रांजिशन कलर। तो आपको बहुत ही लाइट हैंड से इसे अप्लाई करना है, क्योंकि हम ट्रांजिशन कलर अप्लाई कर रहे हैं। तो जब भी कोई आई शेडो अप्लाई करो, उससे पहले आपको अपनी आईज़ को ट्रांजिशन कलर देना बहुत ज़रूरी है। ट्रांजिशन कलर अप्लाई करने के बाद मैं दूसरा क्लीन एक फ्लफी ब्रश लूँगी, जिसमें डार्क बोल्ड ब्राउन कलर पिक करूँगी और उसे अपने आउटर वी एरिया पर, आई के आउटर वी एरिया पर अप्लाई करूँगी एज ए विंग क्रिएट करते हुए। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। मैं जितने भी मेकअप क्रिएट करती हूँ, ऑलमोस्ट मेरे सारे मेकअप प्रोडक्ट जो हैं वो सेम होते हैं। तो आपको ये चीज़ सीखनी है कि आप सेम मेकअप प्रोडक्ट से डिफरेंट डिफरेंट मेकअप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं यूज़ कर रही हूँ सेम कंसीलर, जिसको अपने आईलिड एरिया पर अप्लाई करूँगी अपने आई शेडो को क्लियर डिफाइन करने के लिए। सिर्फ आईलिड एरिया पर ही इस कंसीलर को अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं सेम पैलेट में से गोल्डन कलर पिक करूँगी और अपनी फिंगर की हेल्प से डैब डैब करके इसे सेट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं एक ब्यूटीफुल सा ब्राइडल लुक के लिए आई जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का आईलाइनर, लिक्विड आईलाइनर। जब भी आप साउथ इंडियन ब्राइडल मेकअप लुक या साउथ इंडियन मेकअप लुक क्रिएट करते हो, तो आपको विंग आईलाइनर ही ड्रॉ करना होता है, क्योंकि इस मेकअप में जो है आईज़ जो है थोड़ी शार्प होती है। तो यहाँ पर मैंने बोल्ड विंग आईलाइनर ड्रॉ किया है, जिसे मैं अपने सेम लेफ्ट आई में ड्रॉ किया, वैसे राइट आई में भी ड्रॉ कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद मैं मेबलिन का कोलोसल काजल अप्लाई करूँगी, और इस काजल को भी मैं एज ए बोल्ड काजल अप्लाई करूँगी, तो आईज़ का लुक जो है थोड़ा शार्प दिखेगा और अच्छा दिखेगा। उसके बाद मैं एक स्मजर की हेल्प से ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर पैलेट में से पिक करते हुए अपनी लैश लाइन पर अप्लाई कर लूँगी, इससे मेरे आई का लुक थोड़ा शार्प और बोल्ड दिखेगा। उसके बाद मैं यूज़ करूँ एक प्रिसाइज ब्रश और पैलेट में से हाइलाइटर को पिक करते हुए अपनी इनर आई एरिया पर अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये लैश कर्लर, जिससे अपनी लैशेस को थोड़ा कर्ल कर लूँगी, और यूज़ करूँगी मेबलिन हाई वॉल्यूमलाइज मस्कारा, जिसे अपनी लैश कलर पर अप्लाई कर लूँगी। आप चाहें तो फॉल्स लैशेस भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद है तो बिग वॉल्यूमलाइज मस्कारा कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पैक फाउंडेशन, जिसे अपनी सिर्फ ओनली 2 ड्रॉप लूँगी, जितना मुझे रिक्वायर है, और वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने फाउंडेशन को अपने फेस पर सेट कर लूँगी। उसके बाद एक पाउडर ब्रश की हेल्प से मैं अपने कॉम्पैक्ट को सेट कर रही हूँ अपने फेस पर। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी मेबलिन का मास्टर पैलेट और कंटूर ब्रश की हेल्प से अपने फेस की कंटूरिंग कर लूँगी, जो लाइन की,
और फॉरहेड की, नोज़ की कंटूरिंग कर लूँगी। मैंने ऑलमोस्ट अपने सारे मेकअप ट्यूटोरियल में लिमिटेड प्रोडक्ट यूज़ किए हैं और लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ में ही डिफरेंट डिफरेंट मेकअप आप लोगों के साथ में आप लोगों को क्रिएट करके दिखाए हैं, तो आपको मेरे ट्यूटोरियल से पता चल गया होगा कि मैं मोस्ट ऑफ सेम मेकअप प्रोडक्ट से डिफरेंट डिफरेंट मेकअप जो है वो क्रिएट करती हूँ। तो आपको भी बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट नहीं खरीदने हैं, लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ में आपको डिफरेंट डिफरेंट मेकअप ट्राई करना चाहिए, तो इससे आपका मनी भी वेस्ट नहीं होगा और आप मेकअप भी बहुत अच्छे से सीख जाओगे। तो आप देख सकते हैं मैं अपनी नोज़ की, क्यूपिड्स बो की, फॉरहेड की हाइलाइटिंग कर रही हूँ। बस आपको मेकअप करना आना चाहिए, प्रोडक्ट आप कोई से भी यूज़ कर सकते हो जो भी आपको अच्छे लगे। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन लिप लाइनर, जिसे मैं अपनी लिप की आउटर बॉर्डर पर अप्लाई कर लूँगी। ये ऑरेंजिश रेड कलर का लिप लाइनर है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट, लैक्मे 925 पाउडर प्लस मैट लिपस्टिक, जिसमें मैंने पिंक प्लस शेड यूज़ किया है। वो थोड़ा पिंकिश कलर था इसलिए मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी मैट 925 लिपस्टिक जो ऑरेंज रेड कलर की है, और इसी पर ही अगेन पिंक प्लस जो मैंने पहले अप्लाई किया था लिक्विड लिपस्टिक वही अप्लाई कर दूँगी, तो थोड़ा ऑरेंज रेड कलर आएगा। आप चाहें तो प्योर रेड भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद मेकअप सेटिंग स्प्रे अप्लाई करके अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग कर दूंगी, और उसके बाद वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जहाँ पे भी कोई डॉट रह जाते हैं तो उन्हें क्लीन कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मेरा फाइनल मेकअप लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक पसंद आएगा, और पसंद आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और गिव अवे का वीडियो जो रिज़ल्ट जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। तो गाइस अपडेट रहिएगा इंस्टाग्राम पर, या फिर वीडियो के नीचे ही नेम लिख दूंगी। सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइस, बाय बाय।